तब भगवान शंकर कहने लगते हैं, हे देवी, आपके मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय, इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही रूप हैं, उनको देखकर कभी संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगते हैं, कर्पणाम राम त्रिपुरारी, कर्पणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिराचारी, हरस सुधा सम गिराचारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो पुकारी, तुम समान नहीं हो पुकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसन्ना, सकल लोक जग पावनि गंगा।
बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय। और भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी, आपके मन में जो संशय हुआ है मैं समझ गया, ये कोई संशय नहीं है। आपने इस जगत के कल्याण के लिए ही ये पावन प्रश्न किया है। कर प्रणाम राम हित त्रिपुरारी, हरस सुधासम गिरावचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर कहने लगते हैं, तुमने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, इसलिए तुम समान कोई धन नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन हो प्रश्न जगत हित लागी। जो भगवान रामचंद्र जी की कथा का प्रश्न आपने किया है, ये सकल लोक के कल्याण के लिए है। और तुम्हारी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रीति देखकर, प्रेम देखकर, विश्वास देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और ये जो भगवान रामचंद्र जी की कथा है, ये जैसे ताली बजा जाने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह ये संदेह रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, इसे आदर पूर्वक सुनो। इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि प्राण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। और जो भी सगुण और निर्गुण में भेद करता है वह मूर्ख है। राम सच्चिदानंद हैं, भगवान सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का नाश हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा और उनके नाम स्मरण से हमारे मन में उत्पन्न हुए विकार रूपी अंधकारों का नाश हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष करना, शोक करना, ज्ञान अज्ञान अहंकार, ये सब जीव के धर्म हैं और स्वभाव है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, उनको ये विकार नहीं घेरते। उनके नाम की ही इतनी महिमा है कि काशी में शरीर त्यागने वाले को भगवान शंकर स्वयं उसके कान में राम नाम बोलकर उसको आवागमन से मुक्त कर देते हैं, वह सदगति को प्राप्त होता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ज्ञान बिनु बासु अशेषा। अस सब भांति अलोकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श कर लेते हैं, तन बिनु परस बिना तन के स्पर्श कर लेते हैं, नयन बिनु देखा बिना आँख के देख लेते हैं, ग्रह ज्ञान बिनु बास अशेषा, बिना नाक के सब गंधों को सूंघ लेते हैं। और इस तरह से उनके अनेक अनेक गुण हैं।
विवश होकर भी अज्ञानता में भी यदि कोई उनका नाम ले लेता है तो अनेकों अनेक जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो सादर मन से सच्चे मन से भगवान रामचंद्र जी का नाम जपता है उसकी महिमा का क्या बखान करें, वो परम पिता परमात्मा है। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा और उनके नाम की महिमा करते हुए भगवान शंकर कहने लगते हैं, हे देवी, वैसे तो भगवान रामचंद्र जी के जन्म के कई कारण हैं। वेदों की श्रुतियों ने अनेक अनेक कारण बताए हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तें एका, परम विचित्र एक तें एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। शंकर कहने लगते हैं कि रामचंद्र जी के जन्म के अनेक अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तें एका, और अनेक अनेक विचित्र हैं, कई कारण हैं। लेकिन मैं जो दो चार कारण जानता हूं मैं वो बताता हूं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को भगवान रामचंद्र जी के जन्म के पांच कारण बताए। पांच कारण कौन कौन से? पहला कारण है जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान वैकुंठाधिपति हैं, उनके दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। जब सनकादिक मुनि भगवान रामचंद्र जी वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं तो जय और विजय उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देते, उनको प्रवेश नहीं करने देते। तो सनकादिक मुनि कहते हैं कि तुम दोनों भगवान से मिलने के लिए हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हो, और ये तुम्हारा कार्य राक्षसों की जैसा प्रवृत्ति का है, इसलिए हम तुम दोनों को श्राप देते हैं
कि दोनों दैत्य हो जाओ। सनकादिक मुनियों की ऐसी वाणी सुनकर भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों हमारे प्रिय द्वारपाल हैं, प्रिय भक्त हैं और महाराज इन पर कृपा कीजिए। तब सनकादिक मुनियों ने कहा कि भगवान हमारा श्राप अन्यथा नहीं हो सकता, हमारा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इनको श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप कहते हैं तो इनको तीन बार जन्म लेना पड़ेगा और आपके हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब कहीं जाकर वापस अपनी देह धर पा पाएंगे। दूसरा कारण बताया जलंधर और वृंदा की जो कथा आती है, जलंधर दैत्यों का राजा बन गया और अजय होने के कारण उसको कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन करती थी पूरी सत्य निष्ठा के साथ, और उसके तपबल के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। तीसरा कारण बताया नारद जी का मोह, नारद जी ने श्राप दिया था। चौथा कारण बताया स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और पांचवा कारण बताया प्रताप भानु हरिमर्दन। तब माता पार्वती जी कहने लगी भगवान इनकी कथा हमें विस्तृत सुनाइए। तब भगवान शंकर कहने लगे कि जय और विजय ये दोनों पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, पर हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार लिया। हिरण्याक्ष को मारकर फिर दोनों अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तब वहां भगवान ने रामचंद्र जी का जन्म लेकर उनका वध किया। दूसरे जन्म में जलंधर दैत्य जो दैत्यों का राजा बन गया था, उसको भगवान ने छल से उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। उसकी पत्नी को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तब वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह छल से आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है और मैं अपने पति के वियोग में हूँ, उसी तरह आपको भी नल रूप धारण करके पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। तीसरा कारण बताया नारद जी ने श्राप दिया। तो माता पार्वती जी पूछने लगी कि नारद जी तो भगवान को हमेशा जपते रहते हैं, उनके परम भक्त हैं, फिर उनने श्राप कैसे दे दिया। भगवान शंकर कहने लगे एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण करते हुए हिमालय पर्वत की ओर निकल गए, और हिमालय पर्वत पर जो उत्तरकाशी है, आज जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, वहां जाकर उन्होंने देखा कि पावन बसंत ऋतु आई है, सुंदर फूल खिले हुए हैं। उस मनोरम स्थान पर उनका मन जम गया और वो वहीं भगवान के भजन में मगन होकर बैठ गए
और भगवान का ध्यान करने लगे। नारद जी को ध्यान करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब इंद्रदेव ने देखा कि ये नारद जी को क्या हो गया, पृथ्वी पर बैठ के क्यों जो है इतना तप कर रहे हैं, निश्चित ही ये मेरा इंद्रासन जीतना चाहते हैं। और इंद्र भगवान के मन में ऐसा भय उत्पन्न हुआ। उनके मन में भय उत्पन्न होने पर उन्होंने कामदेव को आदेश दिया कि आप जाइए और नारद जी का ध्यान भंग कीजिए, उनकी तपस्या में विघ्न पैदा कीजिए। अब कामदेव जी महाराज अपनी पूरी सेना को लेकर नारद जी के पास पहुंचते हैं और नारद जी पर अपनी माया छोड़ते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन नारद जी तो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, कामदेव जी का कुछ भी उन पर असर नहीं हुआ। जब कामदेव जी का कुछ भी उन पर असर नहीं हुआ, नाना यत्न किए कामदेव ने, फिर भी नारद जी की तपस्या नहीं डिगा सके, तब कामदेव जी ने लज्जावश नारद जी को प्रणाम किया और अनेकानेक तरह से उनकी प्रशंसा करने लगे। अब कामदेव जी महाराज जब स्वयं नारद जी की प्रशंसा करने लगे तो नारद जी ने नेत्र खोल दिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी प्रशंसा सबसे प्रिय होती है और अपनी प्रशंसा ही वो हमेशा सुनना चाहता है। नारद जी कामदेव के यत्न करने पर आंखें नहीं खोलते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर अपने नेत्र खोल देते हैं। और कामदेव जी नारद जी से कहने लगते हैं कि भगवान, आपने मुझे जीत लिया है और आपके समान कोई तपी नहीं है, कोई धीर नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। नारद जी ने जब ऐसे वचन सुने तो उनके मन में अभिमान पैदा हो गया और अभिमान बस वो भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचकर भगवान शंकर से कहने लगते हैं कि अब मैं तुमसे कम नहीं हूं, तुम तो देव बैठे रहते हो, मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव भी मुझको नहीं डिगा सका। जब नारद जी के ऐसे वचन सुनते हैं तो शंकर भगवान कहने लगते हैं कि तुमने ये बात हमसे कही तो कही, अब कहीं और मत कहना। तो नारद जी सोचने लगते हैं कि इनको हमसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि मैं अब भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, उनको भी सुनाऊंगा कि मैंने काम को जीत लिया है। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर कहने लगते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है और भगवान विष्णु भी उनके मन की बात समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं और उनके वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे मुनि, अभी तक आप कहाँ रहे, बड़े दिनों में दया की यहाँ हमें दर्शन देने के लिए। और जब ऐसे वचन सुनते हैं, दया शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, तो बड़ी दया करी महाराज आपने, तो नारद जी को और अभिमान हो जाता है कि मैंने दया की जब भगवान को दर्शन मिले। जब उनके मन में और अभिमान आ जाता है और वो समझ लेते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, काम को मैंने जीत लिया है, फिर नारद जी वहाँ से विदा होते हैं और चलने लगते हैं। तब भगवान
अपनी माया रचते हैं, क्योंकि जब भगवान का कोई परम भक्त भटक जाता है, उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो भगवान उसके विकारों को दूर करने के लिए, उसको सुमार्ग पर ले जाने के लिए, उसका घमंड चूर करने के लिए, उसको स्वयं उनको बचाने के लिए आते हैं और अपने भक्त हित अनेक अनेक कष्ट उठाते हैं। अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। अभिमान किसी को भी हो,